हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। तो आज हम जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और ये किस तरह से फैलता है। तो चलिए जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये भी हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। ये दुनिया भर में एक घातक वायरस की तरह फैलता जा रहा है। कोरोना वायरस उन वायरसों का एक समूह है जो इंसान और जानवरों के बीच में संचारित होता है। पिछले कई सालों में सार्स और मार्स जैसी कई बीमारियां आई थी जो कि बिल्ली और ऊँटों से मनुष्यों में आई थी। अब भी कोरोना वायरस के ऐसे समूह जानवरों में मौजूद होते हैं जो मनुष्य में नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन कोरोना वायरस जो 2019 में चाइना से निकला है उसकी चपेट में हजारों लोग आ चुके हैं। इस बीमारी के संक्रमण, बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ज़्यादा मामलों में ये वायरस निमोनिया पैदा कर रहा है, किडनी तक भी फेल कर रहा है और ज़्यादातर मामलों में सामने आया है कि अधिकतर इंसानों की मृत्यु तक हो गई है। तो फिलहाल अभी इस वायरस से बचाव के लिए कोई दवाई, कोई इंजेक्शन या इसका कोई एंटीडोट नहीं मिल पाया है। काफ़ी टीमें इसके रिसर्च में लगी हुई है कि इसका कोई एंटीडोट ढूंढा जाए, लेकिन वे सभी टीमें अभी तक असफल रही है। तो जब तक हो सके इस बीमारी को फैलने से रोका जाए, जिसके लिए हमें कुछ कदम शीघ्र ही उठाने होंगे। तो अपने आप से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें कदम उठाना होगा कि जिन लोगों को खांसी या बुखार है उनसे हमें बचना होगा और मास्क लगाकर एक दूरी बनाए रखनी होगी। जिन लोगों को खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया जैसी शिकायत है तुरंत डॉक्टर से इलाज लेना होगा। और आइए अब हम जानते हैं कि ये वायरस एक दूसरे में किस तरह से फैलता है। तो ये वायरस फैलता है खांसने से और छींकने से, यानी कि हवा में जब कोई इंसान खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से जो छींटे निकलती है और दूसरा इंसान उसके सामने खड़ा है, तो जो छींटे खांसते वक्त उस इंसान के मुंह से निकली है तो वो वायु के द्वारा सामने वाले इंसान के अंदर सांस द्वारा चली जाएगी, जिससे वह इंसान भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगा। तो जाहिर है जब आप किसी से बात करते हैं तो उससे आप 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें, अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करें, हाथ, मुंह, पैर बार बार धोएं, हाथ धोने के लिए किसी अच्छे साबुन या हैंड वॉश का यूज़ करें, एक दूसरे का झूठा ना खाए, पब्लिक एरिया में जाने से बचें और अगर जाना पड़े तो मुंह पर मास्क लगा के जाए और साथ में एक इंस्टेंट सैनिटाइजर लेके जाए। पब्लिक पैलेस में किसी भी चीज़ को ना छुए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, दुकान की चीज़ें या बाहर का खुला खाना ना खाएं, यार दोस्तों का झूठा खाने से परहेज करें, हाथ मिलाना या गले लगने से परहेज करें, किसी दूसरे के कपड़े या उसकी चीज़ों को ना छुए, जैसे पर्स, मोबाइल या ईयरफोन वगैरह यूज़ ना करें, अपने फ़ोन को, ईयरफोन या आप जो भी डिवाइस यूज करते हैं उसे एक अच्छे सैनिटाइजर से क्लीन करें, घर, किचन या बाथरूम में जिस एरिया का आप यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उसे किसी अच्छे क्लीनर से सैनिटाइज करें, दरवाज़ों के हैंडल को क्लीन करें। अगर आपने मास्क लगाया है और पब्लिक एरिया में गए हैं तो वहां से आते वक्त अपना मास्क वहीं उतारें और किसी कचरे के डब्बे में डालें। और अधिकतर सरकार ने कॉलेज स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन कुछ स्कूल जिनके एग्ज़ाम्स चल चुके थे तो सरकार ने उन स्कूलों को बंद नहीं किया है। तो अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अपने बच्चों को मास्क लगाकर और इंस्टेंट सैनिटाइज़र लेकर भेजें और उनको साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखने की सलाह दें। तो फ्रेंड, अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो वायरस को ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन इसको फैलने से ज़रूर रोक पाएंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ये जानकारी शेयर करें और इस वायरस को फैलने से रोकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।